हालेलुया, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, आत्मा में परिपूर्ण होकर मनन करना। जिस तरह इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 की 18 और 19 आयत में लिखा है, और ताक रस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुच्चपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। मेरे प्रियो, आज हर एक विश्वासी यह चाहता है कि प्रभु मुझसे बात करे, लेकिन यह बात तब ही संभव है जब परमेश्वर का मसीह आपके जीवन में काम करता है। परमेश्वर के मसीह के द्वारा ही पवित्र आत्मा के वरदान आपके जीवन में काम करते हैं। जब आप बाइबल में पढ़ें तो लिखा है कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, जिसका मतलब है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जिम्मेवारी आपकी है। जरा सोचिए, अगर यह जिम्मेवारी परमेश्वर की होती तो वह कहता कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करूंगा और आत्मा से भरूंगा। पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बारे में नए नियम में लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जिम्मेवारी आपकी है। जब आप आगे उसी वचन को पढ़ें तो लिखा है कि तुम आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, क्योंकि अब परमेश्वर का आत्मा आपको वचन के बीच से सिखा रहा है कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण तभी हो सकते हैं जब आप अपने आप से वचन के बीच से बातें करेंगे। याद रखें, परमेश्वर आपको एक मनन वाली जिंदगी देना चाहता है, जिसमें आप अपनी आत्मा में भजन गाते और प्रार्थना करते रहें, और ऐसा करने से परमेश्वर का वचन आपको मिलता है, क्योंकि आपकी आत्मा उस वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार है जो परमेश्वर आपको आपकी परिस्थिति में, बीमारी में आपको देना चाहता है। मेरे प्रियो, जब आप 2 इतिहास की 20 से 1 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर मुआबियों और अम्मोनियों और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए चढ़ाई की, और लिखा है कि यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार किया। तब यहूदियों में आसाप के वंश से यहजेल नामक एक लेवीय था, जिसमें यहोवा का आत्मा समाया और उसने कहा कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि वह युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। जब वह युद्ध के लिए तैयार हुए तब यहोशापात ने सभी सेना के आगे आराधना करने वाले लोग आगे रखे। बाइबल में लिखा है कि जब उन्होंने आराधना करनी शुरू की तो विरोधी सेना आपस में ही लड़कर मर गई। मेरे प्रियो, आज भी आपके साथ आपके जीवन में ऐसा ही होता है। जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं और उसके वचन पर मनन करते हैं, परमेश्वर भी आपको देखता है कि क्या आप अपने जीवन के कठिन समय में डर जाते हैं, संसार में समाधान के लिए भागते हैं, या फिर आप परमेश्वर के वचन में रहते हुए उसके सामने जाते हैं और उसकी आराधना करते हैं। इसलिए आत्मिक लोग अलग हैं, क्योंकि जब उनके ऊपर मुसीबत आती है तो परमेश्वर का वचन, उपवास और आराधना करना उनके लिए एक हथियार बनता है। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें, शैतान नहीं चाहता कि आप मनन करें, क्योंकि यह संभव नहीं है कि आप मनन करने वाले व्यक्ति हों। आपको शैतान ने पकड़ा हो, इसलिए हमेशा अपने मन में मनन, भजन, स्तुतिगान करते रहें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमेन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए,
सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर मैं आपके वचन पर चलते हुए आपके वचन पर मनन कर सकूँ, जिसके द्वारा आपके नाम में बढ़ूँ और आपके साथ अपना संबंध मजबूत कर सकूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके इस वचन के द्वारा आशीषित करें।